हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अरविंद कुमार, पीएचडी फिजिक्स फ्रॉम सूरत स्कूल रेवाड़ी। टुडे वी विल डिस्कस द थर्ड यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म ऑफ फर्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। एंड आवर टुडेज टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द एम्पियर सर्किट लॉ एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। आपको डाउट होगा इस टर्म्स में कि ये टॉपिक तो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहां पे हम इस चीज को प्रूफ करेंगे थ्रू द एम्पियर सर्किट लॉ। इन प्रीवियस क्लासेस वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, बट दैट वाज फ्रॉम द बायोट सावर्ट्स लॉ, कि वो बायोट सावर्ट्स लॉ के थ्रू प्रूव किया था। अब प्रूव करेंगे इसको एम्पियर सर्किट लॉ के थ्रू। तो जैसा हमें पता है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो ये एक वायर लिया, ये वायर है जो इनफाइनाइट लेंथ का है, इसमें करंट जा रहा होगा आई आई है। हमें एम्पियर सर्किट लॉ पता है बहुत अच्छे से, क्या था एम्पियर सर्किट लॉ, बी डॉट डी एल क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट पासिंग थ्रू दैट क्लोज लूप। इसका मतलब क्लोज लूप पे अप्लीकेबल है और मुझे इस स्ट्रेट वायर को, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर को क्या करना है, बेसिकली क्लोज लूप में इंटरेस्ट करना है। तो मैंने यहां पे कहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो मुझे एक पॉइंट दिया गया कि आप इस वायर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो। अब हम एप्लीकेशन पढ़ रहे, प्रूफ नहीं पढ़ रहे, हमें अभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता इस पी पॉइंट पे। प्रूफ में हमें पता थी बायोट सावर्ट्स लॉ के थ्रू, इस केस में हमें नहीं पता, हमें कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड। हमें डिस्टेंस दे दी इस वायर से, कितने डिस्टेंस है आर, और कह रहा कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ पी पॉइंट पे थ्रू एम्पियर सर्किट लॉ। तो सबसे पहले अगर एम्पियर सर्किट लॉ आप अप्लाई करवा रहे हो तो क्लोज लूप बनानी पड़ेगी, एम्पीरियल लूप। तो इसका मतलब आर डिस्टेंस, इस वायर से आर डिस्टेंस आप इधर हो गए, आगे हो गए, पीछे किसी भी डायरेक्शन में हो गए आर डिस्टेंस पे, तो उन सभी पॉइंटों पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड एम्पीरियल लूप। तो मैंने इस लाइन को यहां पे क्लोज लूप बनाया, ये क्लोज लूप है और इन पॉइंटों पे मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पे जाओ इस लूप के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम, क्योंकि करंट तो सेम है, डिस्टेंस आपने सेम कर दी, तो ये लूप बनी क्लोज। अब हम एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करवा सकते हैं। हमें पता था ये वायर जो था वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है करंट, तो राइट एंड थंब रूल के अकॉर्डिंग यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो राइट एंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, यहां पे बात करेंगे तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, इधर बिल्कुल इसके पीछे बात करेंगे तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, और यहां पे बात करेंगे तो राइटवर्ड में, यानी राइट हैंड थंब रूल आपको अप्लाई करना था। अब जब हम यहां पे ये लूप अप्लाई करते हैं तो एम्पीरियल लूप या एम्पियर सर्किट लॉ आप अप्लाई करते हो तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, एम्पियर सर्किट लॉ, बी डॉट डीएल क्लोज लाइन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट। अब एक ही करंट था और वो करंट कितना था, आई था यहां। अब मैं ये स्मॉल एलिमेंट मानता हूं, ये तो डायरेक्शन थी मैग्नेटिक फील्ड की, ये स्मॉल लेंथ हम मान रहे हैं, तो इसको क्लोज लूप को हम इंटीग्रेट करना है, तो आप ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट या तो ऐसे ऐड करना स्टार्ट कर दो या इस तरीके से, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो जनरली मैं क्या मान रहा हूं, इस लूप में मैं ट्रेवर्स भी किधर कर रहा हूं, इसी डायरेक्शन में, तो इसका मतलब यहां पे टेंजेंट पे ड्रॉ करेंगे तो स्मॉल एलिमेंट के डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, सेम, यानी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मैं इस लूप में ट्रेवल कर रहा हूं, ट्रेवर्स कर रहे हैं, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एंगल जो होगा मैग्नेटिक फील्ड और स्मॉल एलिमेंट के बीच में कितना आएगा, जीरो, डॉट प्रोडक्ट है, एक्सपेंड करते हैं इसको, डी डी एल कोस जीरो, कितना आएगा कोस जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और स्मॉल एलिमेंट के बीच में एंगल जीरो डिग्री है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट इनटू में आई। यहां पे अगर देखें तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, बट हमें एक चीज पता है कि इस लूप पे सभी पॉइंटों पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आउटसाइड में आ गया, डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई।
अब मैं इस लूप को जब ट्रेवर्स करूंगा यहां से चलता हुआ और बिल्कुल ट्रेवर्स ऐड करते हुए इस लेंथ को वापस सेम पॉइंट पे पहुंचेंगे तो कितनी लेंथ कवर की होगी हमें सर्कमफ्रेंस, तो यहां पे हम क्या करेंगे b और इसका इंटीग्रेशन क्लोज था 2 पाई r सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू कितना हो गया म्यू नोट इनटू में हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू नोट आई था म्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई आर ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। अब आप कहोगे सर उसमें तो 2i के टर्म्स आ रहा था तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई है वो स्टैंडर्ड कांस्टेंट है इसलिए मैं इसको 4 पाई बनाने के लिए इसको क्या करता हूं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड इक्वेशन सेम रहेगी 2 2 जा ये कितना हो जाएगा 4 सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 2 2 जा 4 पाई और ये 2 इसके साथ में 2 आई अपॉन में आर दोनों ही रिजल्ट ठीक है यहां पे हमने कैंसिल आउट कर दिया अगर 2 से इसको 4 को 2 बन गया था ये रिजल्ट भी उतना ही एक्यूरेट होगा और ये रिजल्ट भी इसमें हम ज्यादा याद क्यों रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहां पे म्यू नोट अपॉन 4 पाई की आप स्टैंडर्ड वैल्यू पुट कर सकते हो 10^-7 जबकि म्यू नोट अपॉन 2 पाई याद रखेंगे तो उस टर्म्स में आपको क्या मिलेगा स्टैंडर्ड कई बार गलती से सिली मिस्टेक के टर्म्स में आप इसी की वैल्यू पुट कर देते हो और यहां पे 2 लगाना भूल जाते हो तो वो गलती ना हो इसलिए मैं स्टैंडर्ड वैल्यूज में रखता हूं हमेशा म्यू नोट अपॉन में 4 पाई यहां पे देखा जाए तो करंट है वो इस वायर में कांस्टेंट रहेगा सभी पॉइंटों पे सो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर यानी इस वायर से जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे हम जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी उतनी ही कम मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो इस वायर के जितना क्लोज रहेंगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी जैसे जैसे इस वायर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी कम होती जाएगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इस मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करें तो कैसा आएगा राइट हैंड थंब रूल जब इसके क्लोज रहेंगे हम तो इसका मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इधर से बाहर आएंगे लेफ्ट डायरेक्शन से बाहर आएंगे इसको अगर इस तरीके से रखें हम वायर को और करंट अपवर्ड में है तो इस डायरेक्शन से हमारी फिंगर जो होंगी राइट साइड से ये वायर के लेफ्ट साइड से आउटवर्ड डायरेक्शन में आएंगी और इसके राइट डायरेक्शन में हमारी फिंगर जो होंगी राइट एंड की वो इनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी इसलिए इनवर्ड रखेगी सारी मैग्नेटिक फील्ड और इसके लेफ्ट में आउटवर्ड जैसे जैसे इससे सेपरेशन बढ़ती जाएगी इस वायर से हम दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होते जाएंगे सेपरेशन उनमें बढ़ता हुआ जाएगा इस तरीके से तो एक स्ट्रेट वायर जो होता है उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप होती है क्लोज लाइंस होती है क्लोज लाइंस में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी ब्लू एक प्लेन ऑफ पेपर में अगर मैं ये ड्रॉ करूं यहां पे ये वायर था इसमें करंट जा रहा था इस बोर्ड के ऊपर मैंने इन लाइनों को ड्रॉ किया तो वो 3D व्यू जो है वो 2D के टर्म्स में हमने रिप्रेजेंट किया तो ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखेंगे इसके प्रूफ में इसमें ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्रूफ करते हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड पहले से पता होती है और जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है यहाँ पे पता नहीं होती तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे थैंक यू।